हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी मैं नहा के आई हूँ। और आज ना, आज जो है बारिश नहीं आ रहा है, आज धूप निकला हुआ है। तो आज शायद काम चलेगा हम लोग के वहाँ पे, जो टंकी बन रहा था ना वहाँ पे, वॉशरूम का टंकी। और अभी मेरा एक काम है, तो पंडित जी हम लोग को जो पूजा करवाए थे ना पानी का, तो उनको जो है कुछ पैसे और कुछ चावल वगैरह और कुछ साड़ी, मतलब एक साड़ी देना है, तो वही हम लोग अभी दे रहे हैं। तो ये है कुछ पैसे, और ये देखिए ये वाला साड़ी जो है मैं मंगाई थी ना अमेजोन से, ये वाइट एंड ये ब्लू कलर। तो ये वाला साड़ी मैं अभी उनको दूँगी। और पैसे पैसे जो है 500 रुपये बोल रहे थे, तो 501 रुपया भी देना पड़ेगा। और इसमें कुछ चावल और कुछ दाल, कुछ सब्जी, यही सब जो है अभी रख के देना है। तो सबसे पहले काम, अभी मैं कुछ खाई पी नहीं हूँ, तो सबसे पहला काम जो है यही रहेगा। तो अभी जा रहे हैं, यहीं के सामने है उनका घर, जो पंडित है ना उनका घर सामने है, तो उनको पहले दे के आती हूँ। उसके बाद जो है अभी चाय वगैरह पीऊँगी और फिर कुछ सुबह का नाश्ता भी बनाऊँगी। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पे अभी ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे कि 8-10 दिन से जो है लगातार बारिश आया ना, तो ये देखिए हमारा ये जो है टंकी, ये मतलब मैं बताई थी ना एक बार 3-4 फुट के करीब जो है इसमें पानी भर गया था। तो सुबह से ही जो है ये सासू माँ ससुर जी जो है लगे हुए हैं, मतलब पानी उठाने के लिए। और अभी मतलब मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी मिस्त्री नहीं आए हैं, उनका आने का टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे ही आएंगे फिर यहाँ पे बीच में से एक दीवार उठेगा और उसके बाद जो है वहाँ पे सारा पानी अभी उठाते हैं। और मैं यहाँ पे खाना भी बना रही थी, तो खाने में मतलब मिस्त्री, दो मिस्त्री को बुलाए हैं, तो देखिए अभी दो आ गए थे इस टाइम, और अभी मैं खाना बना रही थी सबके लिए। तो मिस्त्री जो काम करते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं खाना बना रही थी। तो अभी क्या हुआ ना, अभी जो है बारिश का मौसम कर दिया, अभी आप देख सकते हैं मौसम कैसा किया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर बाद ही ना अभी जो है पानी आने वाला है, तो अभी मैं कपड़े उठा लेती हूँ, सारे कपड़े। और इतने दिनों के बाद ना मैंने जो है सारे कपड़े उठाए थे, तो सूख गए सारे कपड़े। 1 घंटा मतलब 2-3 घंटे धूप लगा ना, तो सारे कपड़े जो है सूख गए हैं। तो बस अभी बारिश आने वाला है, बारिश का मौसम कर दिया है। देखिए अभी बारिश आता है कि हमारा काम जो हो रहा है वो काम होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कपड़े उठाना स्टार्ट किया, और मतलब नीचे मैं गई भी नहीं, और इतना ज़ोर से बारिश आया ना, इतना ज़ोर से, तो मैं क्या बताऊँ आप सबको, मतलब बहुत ज़ोर से पानी आया, तो काम भी वहाँ पे बंद हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद जो है ये क्लिप ना अभी शाम का हो रहा था, मतलब इवनिंग का। तो यहाँ पर डुग्गू को बहुत तेज़ जो है मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, यहाँ पर डॉक्टर को बुलाए थे, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है दवाई दे रहे हैं। और मतलब अचानक ना इसका तबीयत जो है ख़राब हो गया था, तो फिर बुलाना पड़ा डॉक्टर को। और अभी आप देख सकते हो गोलू मनीषा जो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ज़रा सा कुछ डुग्गू को होता है ना, तो मेरे दोनों बड़े बच्चे ना मतलब उनके पास ही रहते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं हम लोग सब लोग, छोटा जो होता है ना घर के जो छोटा, उससे सब लोग प्यार करते हैं। तो अभी गोलू को आप देख सकते हो, तो ये मुंह कैसे बना रहा है। और यहाँ पे अभी ना लाइट कटा हुआ था, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं बर्तन धो के जा रही हूँ, अभी बारिश अभी आप देख सकते हो, दोपहर में जो है बहुत तेज धूप निकला था, और जैसे कि मैंने पहले बताया था ना कि बारिश आने वाला है, तो अभी बहुत मतलब बारिश अभी 1 घंटे से ना ऐसे ही आ ही रहा है बारिश, ये आप देख सकते हो। तो मैं कुआ के पास गई थी बर्तन धोने के लिए,
कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से गली ना, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। तो अभी ना मैं छत पे आ गई, मुझे भीगने का शौक लगा है इस मौसम में, तो बारिश जो है अभी लगातार आ ही रहा है। और अभी ये जो है यहाँ पे नहा रहे हैं क्योंकि ना बारिश आ रहा है, तो नीचे से पानी लेके जो है यहीं पे नहा रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं रात का टाइम हो रहा था, तो रात को अभी मतलब जितने कपड़े वगैरह थे ना, तो जैसे कि सारे कपड़े आज सूख गए थे, धूप बहुत तेज निकला था तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं वही फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे डुग्गू का ना सेव खाने का मन कर रहा था, सेवई, तो वही सासू माँ बना रही थी, और मतलब सासू माँ ही आज रात का खाना जो है वही बना रहे थे, और मैं दूसरा काम कर रही थी। और डुग्गू को भी ठीक नहीं लग रहा था तो मैं डुग्गू के पास भी थी। तो ये देखिए अभी डुग्गू यहीं पे है, तो इन डुग्गू को ना मतलब दस्त हो गया था, उल्टी लेटरिन वगैरह इसका यही, मतलब जब भी आता है ना यहाँ पे तबीयत जो है इसका ख़राब हो ही जाता है। तो बस अभी मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। सासू माँ जो है यहाँ पे सेवैया बना लेती हैं, और ज़्यादातर आज काम ना, आज मैं कुछ भी मतलब ज़्यादा काम मैंने नहीं किया है, सारा काम आज सासू माँ ने किया और है। इसके बाद जो है ये देखिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो है ये कटहल लाए थे, तो ख़रीद के ही लाए थे, तो इसको मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, इसके जो दाने दाने हैं वो निकाल देती हूँ, क्योंकि ये ना खाने में जो है बहुत ही अच्छा लगता है, इसके जो दाने होते हैं और इसके अंदर जो एक बीज होता है उसका जो है सब्जी बनता है, तो अभी मैं वो भी दिखाती हूँ आप सबको। तो पहले अभी ये कटहल देखिए, इसको मतलब सारे जितने भी दाने हैं ना सारे मैं निकाल देती हूँ और एक कटोरी में छाट के रख देती हूँ, और ये जो इसका छिलका बचेगा ना तो इसको गाय को दे देंगे, तो गाय खा जाएगी ये। मतलब यहाँ पे कुछ भी छिलका वगैरह जो होता है ना हमारा वेस्ट नहीं जाता है, तो सबको गाय को दे देते हैं, तो सारे गाय जो है खा लेते हैं। और ये देखिए अब इसको भी दे देंगे, तो इसके सारे दाने, और खाने में ना इसके कटहल के दाने जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। और हाँ, जो कटहल खाते हैं ना तो किसी किसी को नुकसान भी करता है, जैसे कि मेरी सासू माँ जो है ना उनके पैर दर्द होते हैं, तो ये कटहल का पका हुआ कटहल खाते हैं ना तो पैर दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी आप सबको कि ये दाने जो है निकले हैं इतना, और अभी और भी बचा हुआ है तो और अभी इसमें से निकलेगा, तो बस मैं अभी इतना ही निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो, और ये जो दाने निकले हैं ना, ये इसमें से ये दाना निकला हुआ है, ये देखिए, और ये दाने का ना इसका जो है सब्जी बनता है, तो ये देखिए दाने का इतना, मतलब इसमें से अभी इतना निकला है ये वाला, और ये वाला ना अभी और जो है ऐसे निकलेगा, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने में, तो मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जा रहे हैं इसको धोने, और पहले बच्चों को देते हैं खाने के लिए। बस। और ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पे मतलब बच्चों को खाने का मन कर रहा था ये आलू का पीठा, तो वही अभी सासू माँ बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ही ये चावल भीगने के लिए दिए थे, तो थोड़ा सा ही मिक्सर में पीस लिए, उसके बाद जो है ये सासू माँ भी बना रही हैं। तो क्या हुआ ना, इसकी रेसिपी बोले थे आप लोग कि शेयर कीजिएगा इसकी रेसिपी, पर मुझे उतना ध्यान नहीं रहा, तो फिर मैं रेसिपी वगैरह जो है कुछ भी नहीं रिकॉर्ड की, और डुग्गू की भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो उधर ही ज़्यादा मेरा ध्यान था। तो इसकी रेसिपी ना मैं आप सबको पूरा डिटेल में बताऊँगी, तो बस अभी ये पीठा बना लेते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।